यार आज के वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बीबीब्लेड्स टर्बो की टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बीबीब्लेड्स के बारे में बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में उन स्ट्रॉन्गेस्ट बीबीब्लेड्स के स्पेशल मूव के बारे में बताने वाला हूं और उनके ओनर के बारे में बताने वाला हूं। तो देखो आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो से बहुत ही ज्यादा अलग होगी, तो प्लीज यार इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर पहले आए तो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार बीब्लेड ब्लस्टर बो के स्ट्रॉन्गेस्ट बीब्लेड की लिस्ट में नंबर 5 पर जो बीब्लेड आता वह है गैस मेफ्टियर। और यार ये बीब्लेड बीब्लेड ब्लस्टर बो में फ्री के पास दिखाया गया है। और जहां तक बात आती है इसके स्पेशल मूव के बारे में, तो गैस मेफ्टियर के स्पेशल मूव है गैस मीन गैस लो और एब्जॉर्ब ब्रेक। और ये सभी स्पेशल मूव बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस लिस्ट में मैंने मेफ्टियर को नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि पाई ने अपने डीटफोनिक्स बीब्लेड से मेफ्टियर की बीब्लेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये एक रीजन है कि मैंने मेफ्टियर को इस लिस्ट में नंबर 5 पर रखा है। और यार इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो बीब्लेड आता है वह है टर्बो स्प्राइजन। और यार स्प्राइजन ऐसा पहला बीब्लेड था जो बर्स्ट नहीं हो सकता था। और टर्बो स्प्राइजन टर्बो जनरेशन में फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था और उसी के बाद वॉल्ट ने अपना टर्बो इलेक्ट्रिक बीब्लेड बनाया था और फिर उसके बाद आइगर ने अपना टर्बो अकेलिस बीब्लेड बनाया था। और यार जहां तक बात आती है स्प्राइजन के स्पेशल मूव के बारे में, तो हम सभी लोग उसके स्पेशल मूव देख सकते हो। इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो बीब्लेड आता है वो है टर्बो अकेलिस। अब देखो ये जो बीब्लेड है वो अभी तक के एपिसोड में रिवील नहीं हुआ है, लेकिन यार अगर बीब्लेड टर्बो के न्यू एपिसोड हमारे लिस्ट के ऊपर आते हैं तो तुम सभी लोग को देखने को मिलेगा कि जो आइगर है उसका जी अकेलिस बीब्लेड फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर आइगर ने उसके डैड के साथ मिलकर एक नया बीब्लेड बनाया जो था टर्बो अकेलिस। और यार इसी तरीके से आइगर ने अपना टर्बो अकेलिस बीब्लेड बनाया था। और यार टर्बो अकेलिस बहुत सारे स्पेशल मूव है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। सिल्ट में नंबर 2 पर जो बीब्लेड आता है वो है टर्बो वेल्ट्री। और यार जब आइगर ने वर्ल्ड के बीब्लेड वंडर वेल्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया तब वर्ल्ड का जो वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल है वो आइगर को मिल गया था। लेकिन यार जब वर्ल्ड ने अपना नया बीब्लेड बनाया जो था टर्बो वेल्ट्री और फिर जब वर्ल्ड ने हाइट के साथ बैटल की तब वर्ल्ड ने हाइट को एक ही बार में हरा दिया था और वर्ल्ड को वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल वापस मिल गया। और ये रीजन है कि मैंने वेल्ट्रिक को इस लिस्ट में नंबर 2 पर रखा। और यार जहां तक बात आती है टर्बो वेल्ट्रिक के स्पेशल मूव के बारे में, तो तुम सब लोग देख सकते हो टर्बो वेल्ट्रिक के बहुत सारे अमेजिंग स्पेशल मूव है जैसे कि टर्बो फ्लैश लॉन्च, रश लॉन्च और भी बहुत सारे। और यार इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो बीब्लेड आता है वो है डीटफोनिक्स। और यार ये जो बीब्लेड है वो बीब्लेड बस टर्बो के सीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीब्लेड है। और यार ये एक रीजन है कि मैंने इस बीब्लेड को नंबर 1 पर रखा। अब देखो यार डीटफोनिक्स ने गैस फेफनियर टर्बो स्प्राइजन जैसे बीब्लेड को डिस्ट्रॉय किया और यहां तक कि डीटफोनिक्स ने जी अकेलिस बीब्लेड को डिस्ट्रॉय किया था और डीटफोनिक्स ने हाइट की बीब्लेड एडिस को भी डिस्ट्रॉय किया था। और यार ये एक रीजन की मैंने डीटफोनिक्स को इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा। और जहां तक बात आती है डीटफोनिक्स के स्पेशल मूव के बारे में, तो तुम से लोग देख सकते हो डीट क्रश और डीट ब्रेक जैसे उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल मूव है। और यार मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर डीटफोनिक्स इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर बीब्लेड की बात हो रही है। और यार अगर बीब्लेडर्स की बात होती तो फाई इस लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं आ पाता, लेकिन यार डीटफोनिक्स है वो एक बहुत ही ज्यादा डार्क टाइप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीब्लेड है। और ये एक रीजन है कि मैंने डीटफोनिक्स को इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा। और यार मैं होप यही करूंगा कि तुम सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और आज के लिए कलाकी हम रखते हैं 1K लाइक्स का। देखो यार पिछली वीडियोस में तुम सभी लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है और मैं होप यही करूंगा कि तुम सभी लोग ये लाइक हम जरूर कंप्लीट कर दोगे। इस वीडियो पे प्लीज अपना फुल सपोर्ट दिखाओ और मुझे बताओ कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए। तो इससे रिलेटेड यार तुम सभी लोग कमेंट में बताओ कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और हर बार की तरह इस बार भी एनिमे की बात करना चाहूंगा। जो लोग भी मेरे चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।